हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सिटी पैलेस जंतर मंतर जयपुर का घूमने के लिए, और जो रास्ते में भी चीज़ें पड़ेंगी वो भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर बारिश काफ़ी हो गई थी, गर्मी का लेवल थोड़ा सा कम हो गया था, देन हम लोग यहाँ से निकले थे। ये है यहाँ का राज मंदिर, इसको ही बहुत लोग देखने आते हैं। सिनेमा हॉल है, बहुत फेमस सिनेमा हॉल है। फिर उसके बाद ये है चार बत्ती पांच बत्ती चौराहा, यहाँ पर पांच बत्ती लगी हुई है, लाइट लगी हुई, इसलिए कहा जाता है। ये एक फॉरनर ने डिज़ाइन किया था, सारी दुकानें यहाँ पर एक जैसी ही हैं, तो आप देख सकते हो सब जगह एक जैसी हैं। और यहाँ से अब स्टार्ट हो जाता है पुराना जयपुर। ये वही रास्ता है जहाँ से साल में एक बार राजा निकलते हैं जब उनकी घनघोर की पूजा होती है, और तभी ये द्वार ओपन किया जाता है। और ये नॉर्मल डेज में सबके लिए बंद रहता है, सिर्फ राजसी फैमिली के लिए ही खोले जाते हैं। तीन दरवाजे जो बने हुए थे, आप लेफ्ट साइड में देखेंगे ये मीनार बनी हुई है, तो जब कोई भी यहाँ पे कोई भी गलती करता था तो उसको सजा यहाँ पर दी जाती थी, जिससे कि दोबारा ना हो मेन चौराहे पे। और यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है हवा महल की एंट्री वगैरह, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और अब आप देख सकते हैं ये है हवा महल का फ्रंट, और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऊपर से देख रहे थे। हम लोग एक बार पहले भी जा चुके हैं, तो इस बार हमने सोचा था सिर्फ ऐसे ही रोड से निकलते टाइम ही देख लेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। तो आप देखो कितना सुंदर बना हुआ है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सिटी पैलेस और जंतर मंतर के मेन एरिया पे। यहाँ पे हमने पहले पार्किंग में लगाई गाड़ी, एंड उसके बाद हम लोग पहले जाने वाले थे जंतर मंतर में, बट धूप नहीं थी, और वहाँ पर पूरा धूप होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे किस घड़ी में कितना टाइम हो रहा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे सिटी पैलेस, और ये है एंट्री, लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर है, यहाँ से आपको टिकट परचेज करनी होती है। एंड आपको दो मैनुअल भी मिलते हैं, जिनकी हेल्प से आप अगर गाइड नहीं करना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। ये है चेकिंग एरिया, यहाँ पर टिकट चेक होती है, एंड उसके बाद ये है एंट्री जहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। हमने अपने साथ कर लिया था एक गाइड को, जिससे कि वो हमें अच्छी तरीके से सारी चीज़ों के बारे में समझा सकें। ये है यहाँ पर पालकी रखी हुई है जो उस समय यूज़ की जाती थी, और ये हाथी का कवच है जो उस समय पहनाया जाता था, जिससे कि युद्ध में हाथी को कुछ ना हो। राइट साइड पे सारी पालकी रखी हुई हैं जिनको उस समय राजा रानी यूज़ करते थे, एंड यहाँ उनके बच्चे भी जो यूज़ करते थे वो भी यहाँ पर सब रखे हुए हैं उसी समय के। तो इस सिटी पैलेस के जो जस्ट बगल में बना हुआ है वो अभी भी उसमें राजा की फैमिली रहती है। अब हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे और दूसरी साइड निकलेंगे। यहाँ पर सब फोटोज़ लगी हुई हैं उन्हीं की फैमिली की, राजा की फैमिली की, एंड उसके बाद हम दूसरी साइड आ गए। ये दो कलश हैं जिसमें गंगा जल भरकर ले गए थे, एक जो राजा थे वो गंगा जल ही पीते थे, तो विदेश में जब वो गए थे तो वो अपने लिए गंगा जल भर के ले गए थे, और इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे बड़े कलश का। उसके बाद हम और अंदर आ गए थे, यहाँ पे सभी राजाओं की फोटो लगी हुई थी। उसके बाद हम एंट्री करते हैं, ये मनोरंजन एरिया था उस समय का, यहाँ पे चार द्वार बने हुए हैं अलग अलग कलर के, अलग ऋतु के हिसाब से। ऊपर झरोखों में पत्नियां रानियां बैठती थी, एंड नीचे राजा बैठते थे, सभी मेल बैठते थे, ऊपर सारी फीमेल बैठती थी। देन यहाँ पर ऋतु के हिसाब से उसी गेट से एंट्री होती थी,
कलाकारों की। ये जो मिरर है ये गिफ्टेड था, राजा को गिफ्ट किया था किसी ने। उसके बाद ये आज की जो रॉयल फैमिली है उनकी फोटोज लगी हुई हैं। देन हम लोग ऊपर आ गए थे, ऊपर बना हुआ था ये संग्रहालय जो इसका बना हुआ है, उनकी चाकू का, उनके अस्त्र शस्त्र का। तो वो हम लोग देखने आए थे, यहाँ पर वीडियो बनाना मना था, तो हम लोगों ने बस थोड़ी सी मैंने वीडियो बना ली थी जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया दे पाऊँ कि यहाँ पर एक्चुअल में कैसा है। देन उसके बाद हम बाहर निकल आए थे, बाहर फिर हम इस महल में जाने वाले थे जो बना हुआ है बीच में। एंड आप देख सकते हो कितनी धूप आ गई है, जब हम लोग आए थे तब इतनी धूप नहीं थी, और यहाँ पर घूमते घूमते बहुत तेज धूप हो गई थी। लेफ्ट साइड में ये जो दो हाथी बने हुए हैं ये एक ही मार्बल के बने हुए हैं, ये एक यूनिक चीज है। उसके बाद हम लोग इस महल के अंदर आ गए जहाँ पर उन राजा रानी और उनके पूरे खानदान के जो भी हैं वो कपड़े रखे हुए हैं उसी समय के, वो जो पहनते थे वो सभी ओरिजिनल अभी तक संभाल के सब अभी तक रखे गए हैं। हम लोगों ने ये भी देखा, बहुत सारे बने हुए थे, बहुत सारे राजाओं के, उनके बेटी के, और जो पूजा में पहने जाते थे वो भी थे। अलग अलग फेस्टिवल में वो क्या क्या कपड़े पहनती थी रानियाँ, वो भी यहाँ पर बने हुए थे। लाइक दीपावली में क्या पहनती थी, गणगौर के उत्सव में क्या पहनती थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे जंतर मंतर टिकट काउंटर पे, यहाँ पे हम लोगों ने टिकट ली, और उन्हीं सेम गाइड को हम यहाँ भी ले आए थे कि वो हमें अच्छे से यहाँ पर ब्रीफ कर देंगे जो भी ये बनी हुई है। जयपुर, जयपुर जंतर, जयपुर जयगढ़, जयपुर जयगढ़, हाँ उनके नाम से बनाया गया है, तो जंतर मंतर भी उनके नाम से हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो महाराजा सवाई जयसिंह जी जो है ग्रेट एस्ट्रोनोमर, एस्ट्रोलॉजर, मैथमेटिशियन और काउंट आए, और वो 13 ईयर की एज में किंग बने थे, और उस समय वो 17 भाषाएं जानते थे। तो जब उन्हें जब वो दरबार मुगल दरबार में गए थे औरंगजेब के समय में, और जब उनसे औरंगजेब ने मजाक में जब उनके कंधों पर हाथ रखे कहा था कि मैं तुझे मार कर अपनी प्रॉपर्टी तेरी प्रॉपर्टी में ले लूँगा, तो उन्होंने कहा कि अपने दोनों कंधे मेरे जो हाथ रखे ना कंधे पर वो रक्षा के सबसे रखे हैं, आप मुझे मार नहीं सकते। तो उन्होंने फिर कहा था तू शेर नहीं समाज शेर, तो हर चीज़ का हाजिर जवाब भी है, और तो बहुत होशियार है, और 17 भाषाएं वो जानते थे, तो वो सारा उनका ही रूप उन्होंने ही है जो चाह। इस पत्थर पे जो ये निशान लगा हुआ है यहाँ से जब आप देखेंगे तो आपको सीधे ध्रुव तारा दिखेगा। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी घड़ी, कौन क्या टाइम बताती है। ये गाइड ने प्रॉपर ब्रीफ किया था हमें, 6 मंथ उस वाले चक्र पे धूप रहती है, एंड 6 मंथ उस वाले जो पीछे दिख रहा था जिसमें छौती वहां पर रहती है। उसके बाद ये जो एरिया बना हुआ है, ये नक्षत्र पक्ष कौन सी राशि है ये सब देखने के लिए बने हुए हैं। तो 1 आवर वो काम करता है, 1 आवर ये काम करता है। ये 1 आवर काम क्यों करते हैं, क्योंकि आप देखिए जो प्लेट है ना, प्लेट का शैडो भी आपको कहाँ दिख रहा है, वो जस्ट ये है बारह राशियों के घर, सब अलग अलग बने हुए हैं। लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ से वर्ल्ड की सबसे बड़ी घड़ी, जिसको आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बनी हुई है, और इसका टाइम समझना भी बहुत टफ नहीं था, इजी था, और हमारे एग्जैक्ट टाइमिंग से ये मैच भी हो रही थी। फिर उसके बाद ये यहाँ हो रहा था कठपुतली डांस। कल दोपहर के 12 बजे आपको वहीं पे मिलेगा, तो 360 डिग्री पूरा घूम जाता है। क्या ये इसका है? हाँ ये अभी देखिए, इसे आपको पता लगेगा कि सूर्य के पृथ्वी ने कितना चक्कर लगाया है। तो देखिए यहाँ पे इसका शेडो देखिए, उससे पता लगेगा कि अभी पृथ्वी पे सूर्य कितना झुका हुआ है, 45 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री है या 70 डिग्री है। ये जो आपने पहले देखा था वो था कि वो पृथ्वी कितने चक्कर लगाती है, उसके बारे में उन्होंने समझाया था गाइड ने। और अब फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं घर जाने के लिए। धूप बहुत हो गई थी, दोपहर हो गई थी, हम लोगों को भूख भी बहुत तेज लगी हुई थी, और फिर उसके बाद फाइनली हम लोग घर पर आ गए थे, और सभी लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, बस इस समय ये लग रहा था कि हमें खाना मिल जाए। दिन हमने खाना खाया और उसके बाद हम सो गए।